अब डर नहीं लगता है मुझे, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप मेरे सामने डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे या मुझे समाज से निकाल देने का डर दिखाएंगे या मुझे जान से मारने की धमकी देंगे, तब भी ना मेरा रास्ता बदलेगा ना मेरी नीयत बदलेगी और ना ही मैं डर जाऊंगा, क्योंकि बचपन से यही सब तो देखा है मैंने, यही सब तो झेला है मैंने। आप मुझसे मत उलझिए, मैं भी आपसे उलझने को नहीं आऊंगा। आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगा। एक बात बताऊं, जिस विद्यालय में आप मुझे जाने से रोक रहे हैं आज, उसी विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, ताकि भविष्य में पढ़ लिख कर वो अपनी रोजी रोटी कमाना सीख सके, ना कि किसी के सामने खड़े होकर हाथ में डंडा लिए उनका रास्ता रोकना। किसी का रास्ता रोकने से कोई समृद्धि नहीं हुआ है। एक और बात, क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस जात का हूं? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी जाति का कोई भी आज तक 10वीं का पढ़ाई नहीं कर पाया? मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही आगे कभी पड़ेगा, क्योंकि बचपन में पहली बार किताब हाथ में लिए मेरे बाबा ने मुझसे ये कहा था कि संघर्षों से लड़ने के लिए इसको अपना हथियार बनाना, और मैंने वही किया। इस किताब को अपना हथियार बना के मैं जिंदगी का हर जंग जीत चुका हूं, और मुझे ये विश्वास है कि आगे भी ये हथियार मेरी सहायता करेगा। इसकी मदद से मैं आगे भी कोई जंग नहीं हारूंगा। अब आप मुझे जितना आजमाना चाहें आजमा लीजिए।